अभी हमारे पास थीरोमेट है कि अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज एंड इज ड्रॉन फ्रॉम रिक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पीडीएफ ये हमारे पास पीडीएफ है जीरो से थीटा तक उसकी लिमिट है शो दैट टू एक्स बार इज एन एंड बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ थीटा यानी कि उन्होंने कहा है कि इसका अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लें तो वो थीटा के इक्वल आनी चाहिए ठीक है सबसे पहले हमने इसकी एक्सपेक्टेशन थीटा के इक्वल यानी कि ये शो करना हमने लिख दिया अब यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे ये तो हमने प्रूव करना है ना लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो यहाँ से टू हमने बाहर निकाली एक्सपेक्टेशन खाली इस पर अप्लाई होगी एक्स बार का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वन बाई एन और स्मिशन एक्स आई ठीक है तो अब यहाँ से वन बाय एन को भी बाहर ले, ले लेंगे स्मिशन एक्स आई आ गया एक्स आई को हम ओपन करेंगे वो क्या बन जाएगा वन एक्स वन एक्स टू एक्स सोन एक्स एन तक आ जाएगा एक्सपेक्टेशन इन सब पे अप्लाई करेंगे वो ये आ जाएगी अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है रेंडम वेरिएबल्स हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स सोन एक्स एन तक वो जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के ही इक्वल है ठीक है तो हम खाली इसको लिख देंगे कि मतलब ये जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से लेके एक्स एन तक है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के ही इक्वल है ठीक है इसको हमने ऐसे ही रिप्लेस कर दिया कि यहाँ से वन टू थ्री खत्म कर दिया अब यहाँ पर देखें कि जब एक्सपेक्टेशन इस तरह आ रही हो तो उसको हम सिंपली uh, फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि खाली एन लिख देते और वो पूरी टर्म लिख देते हैं जो एंड टर्म तक चल रही होती है हमने एन लिख दिया और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लिख दिया यहाँ से ये यह इसके साथ कट हो गया टू और ये वाली टर्म रहेगी ठीक है अब यहाँ पर देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स खाली आ गया जबकि क्वेश्चन में हमारे पास वो मीन के टर्म में चल रहा था जिसको सोल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गया आपको पता है कि एक्सपेक्ट इसको कैसे हम ओपन करते हैं इंटरवल के टर्म में के लिमिट लगाते हैं जो भी अंदर टर्म होती है वो लिखते हैं साथ उसका एफ एक्स लिख देते हैं कि वो हमारे पास इस के है, के। तो हमने वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने केन ये, ये देखिए एक्स हमने वैसे नहीं दिया वन बाय थीटा के इक्वल है ठीक है और यहाँ पर टू आ गया अब जब इसके इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा कि एक्स uh, के और यहाँ पर टू आ जाएगा ठीक है अब चाहो तो आप यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हो ठीक है मतलब इस सारे टर्म को आप थीटा के लिए ही ले आओ और उसके बाद आप यहाँ पर ये यह, एक्स स्केयर बाय टू यहाँ पर लिखने जाए की बजाय थीटा स्केयर बाय टू आ जाएगा फिर इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो वो हमारे पास सी टर्म बन जाएगी ठीक है यहाँ से इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो खाली थीटा ही आ जाएगा Sorry. इसके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो खाली थीटा ही आ जाएगा यही हमने प्रूव करना था